संत पॉलिकार्प। पॉलिकार्प का जन्म सन 65 में हुआ था। इन्होंने अपना विश्वास खुद मसीह के एक प्रेरित से पाया था। पॉलिकार्प की मुलाकात अंताकिया के धर्मादेश संत इग्नासियस से हुआ, जब उन्हें मार डाले जाने के लिए स्मरणा के रास्ते रोम ले जाए जा रहे थे। अंताकिया के संत इग्नासियस के सात विख्यात पत्रों में से एक संत पॉलिकार्प के नाम लिखा हुआ है। इरनेउस के अनुसार जब अनेसेतुस रोम के धर्माध्यक्ष थे, तब रोम के कलीसियाओं और एशिया के कलीसियाओं के बीच जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पॉलिकार्प रोम गए थे। संत पॉलिकार्प के कई पत्रों को फिलिपींस के कई कलीसियाओं में पवित्र ग्रंथ के बराबर का दर्जा देकर पढ़ा जाता है। उन्होंने अपने मरने से पहले कहा, अगर मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं ईश्वर में अपने विश्वास को नहीं त्यागूंगा, न ही ईसा मसीह की निंदा करूंगा। चूंकि उन्होंने रोमी सम्राट के सामने धूप चढ़ाने से इनकार किया, उन्हें खूंटे पर बांध कर जलाकर मार डाल दिया। मरने से पहले उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं शहीदों के संगति पा सकूं। रोमी सम्राटों के सामने धूप चढ़ाने से इनकार करने वाले संत पॉलिकार्प और अन्य कई हजार शहीद अपने धैर्य का, मजबूत विश्वास का पक्का सबूत है। मसीह के शिष्य संत योहन से विश्वास के पाठ सीखने वाले पॉलिकार्प ने यह विश्वास किया कि उस विश्वास को त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने उसे गले लगाया, उसे त्यागने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। पॉलिकार्प 86 साल के थे जब उनके खिलाफ उत्पीड़न शुरू हुआ। वे अपने घर में इस इंतजार में बैठते थे कि कब जल्लाद आएंगे और उनके दरवाजे पर खटखटाएंगे। न्यायाधीश जिनके सामने उन्हें पेश किया गया था, पॉलिकार्प से आग्रह किया कि वे अपने विश्वास को त्याग दें, मगर विश्वास न त्यागने की वजह से 23 फरवरी 155 को उन्हें मार डाल दिया गया। उनके शहादत के बाद उनके लाश जला दिए गए। विश्वासियों ने उनके हड्डी के टुकड़े लेकर स्मारक चिन्ह के रूप में अपने साथ रख दिया। कलीसिया के इतिहास में किसी शहीद के स्मारक चिन्ह को अपने साथ सुरक्षित रखना यहां से शुरू हुआ। संत पॉलिकार्प कान के बीमारियों से जूझने वाले लोगों के संरक्षक संत है। जो विश्वास हमने पाया उसे मजबूत बनाए रखना, उस विश्वास के लिए मरना चाहे तो भी तैयार होना, ये ईश्वर से प्राप्त विशेष वरदान है। उस वरदान के लिए हम संत पॉलिकार्प की मध्यस्थता मांगेंगे।